विदेश रोकूंगी आपको इस वक्त, क्योंकि सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ताजा अपडेट इस वक्त, जेवर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकदम तय समय से वो पहुंचे हैं। लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच का समय बताया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, और पीएम पहुंच चुके हैं। आपको बताया कि अब से थोड़ी देर बाद आधारशिला का कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर देखना होगा कि पीएम का मैसेज क्या होता है, क्योंकि तमाम विवाद, तमाम यहां पर सियासत और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेवर पहुंचना, एयरपोर्ट की आधारशिला रखना, शिलान्यास करना और 2022 का चुनाव होना, इन तमाम गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज आज यहां से क्या होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 3 कृषि कानून वापस लेने का भी पीएम ने ऐलान किया, तो आज जब पीएम पश्चिम यूपी में होंगे तो वहां के किसानों के लिए क्या मैसेज होगा, ये भी देखना होगा। थोड़ी देर में एयरपोर्ट का भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। तमाम बड़े नेता, श्रीकांत शर्मा की बात कर लीजिए या फिर कैबिनेट के और भी मिनिस्टर जो कि इस वक्त जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वीरेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, पीएम पहुंच चुके हैं? जी, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार मुख्यमंत्री कर रहे थे, तमाम केंद्रीय मंत्री कर रहे थे, स्थानीय सांसद और सबसे बड़ी बात की लोग कर रहे थे। लगभग 2.5 लाख की सभा इनको करनी थी भारतीय जनता पार्टी को, और ये चुनौती थी यहाँ के स्थानीय जो विधायक सांसद है सबको। लगता है कि लगभग 2.5 लाख के करीब जनता वहाँ दिखाई दे रही है और बड़ा जनसैलाब है। सभा तो हम सुल्तानपुर की भी देख चुके, सभा तो कुशीनगर की भी हमने प्रधानमंत्री की देखी, लेकिन ये सभा बड़ी है और इसका आयोजन भी बड़ा है और इसका महत्व भी बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर यह सभा हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो गई थी किसान आंदोलन के चलते। ऐसा पार्टी के रणनीतिकारों के मन के अंदर भी एक दुविधा द्वंद चल रहा था, चिंतन मंथन चल रहा था कि इसे कैसे सजाया सवारा जा। चुनाव सर पे है, किसान बिल वापस ले लिया गया, बावजूद इसके आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस धरती से जब गरजेंगे प्रधानमंत्री, बरसेंगे प्रधानमंत्री, सौगात के तौर पर बरसात होगी प्रधानमंत्री की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए लगता है कि पानी और बढ़ जाएगा। यानी कुछ सुखद क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी बहुत दुविधा, कसमकस और